सबको आजादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके, लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा है। मुद्दा क्या है? रोजगार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है, लोग आगे बढ़े, ये हम लोगों की बात होनी चाहिए, चर्चा इस पर होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे कि चर्चा भैया ना महंगाई ना बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये सब सारी बातें सब ठीक है। जो लोग अपना एजेंडा तय कर रहे हैं, अभी तो ये चलेगा, अभी चल रहा है एजेंडा। क्या भाजपा का एजेंडा? हम लोग शुरू से क्या बोलते आए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर, फिर वहीं आ गए बिहार को लेकर के। एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे ना यहाँ, एक दो यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हूँ कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बताइए, तरह तरह की बातें चलाई जा रही है मार्केट में, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं इसमें कौन है कौन क्या है। आप गठबंधन लगातार, लेकिन बयानबाजी हो रही है तेजस्वी जी। अरे भाई, शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है, मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए, ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे क्या हो। तो इसमें नहीं, अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, कहेला आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों का 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। हिंदी क्लब को दबाइए, इस बेल आइकॉन को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।